गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए क्या है कि आपको जो ऑर्बिटल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो इसके आपको मैंने शॉर्टकट लास्ट वीडियो में इसकी शॉर्ट जो डिस्कस था आपने किया भी था। तो फर्स्टली इसमें क्या बात होती है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एनर्जी सेम और नियरली, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो ऑर्बिटल्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, या तो क्या हो बिल्कुल इक्वल हो यानी कि सेम हो, या क्या हो नियरली सेम हो कि उनमें कोई नॉर्मल अमाउंट में क्या हो डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे आपको पता है कि 1s ऑर्बिटल है और सेकंड एटम्स हैं उसका भी 1s ऑर्बिटल है, तो इनके बिटवीन जो एनर्जी है वो क्या होती है, सेम अमाउंट में होती है। सेम यानी कि एनर्जी जो लेवल है वो सेम है, तो इस कंडीशन में क्या है कि इनके बिटवीन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि अपने ये कहें कि ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या है कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग क्या होंगे, यहाँ पर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। बट जो 1s ऑर्बिटल है वो 2s ऑर्बिटल के साथ क्या नहीं कर सकता, ओवरलैपिंग, या अपनी ये कहे कि उसके साथ ये क्या नहीं होगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, बिकॉज 1s ऑर्बिटल एनर्जी इज लेस देन 2s ऑर्बिटल्स, तो एनर्जी डिफरेंस अगर क्या है कि मैक्सिमम हो जाता है, कुछ इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में उनके बिटवीन क्या है, कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अपने क्या कहा था, सेम सिमेट्री। ठीक है, कि जो कॉम्बिनेशन होगा वो सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स के बिटवीन ही होगा। ठीक है, अगर उनकी सिमेट्री क्या है कि डिफरेंस होगी, तो उस कंडीशन में उनके बिटवीन क्या नहीं होगा कि कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि 2pz ऑर्बिटल क्या है कि अदर 2pz ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा कि क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन कर सकता है, बिकॉज इट्स सिमेट्री इज सेम। बट 2pz ऑर्बिटल कैन नॉट कंबाइन विद 2px और 2py ऑर्बिटल। ठीक है, बिकॉज एनर्जी लेवल इज तो सेम बट सिमेट्री इज डिफरेंट। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन इट इज पॉसिबल और इट इज नॉट पॉसिबल कि जो 2pz ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल है, इनके बिटवीन तो क्या है कि सिमेट्रिकल सेम हो गए, तो सिमेट्रिकल सेम है, तो उस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या है, कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएगा। बट क्या है कि अगर इनकी सिमेट्री डिफरेंट हो जाए, लाइक आपको एक एग्जाम्पल दिया मैंने 2pz, और क्या है कि 2pz के ऑर्बिटल्स के अगर कंपेयर अपन 2px और 2py की अगर सिमेट्री देखें, तो ये क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो उस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या है, कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड जो पॉइंट है अपना कि जो कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या है कि ओवरलैप टू द मैक्सिमम। ठीक है, ओवरलैप क्या हो इनके बिटवीन, मैक्सिमम हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ न्यूक्लियर ऑर्बिटल क्या होगी, यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है कि 3 points यहाँ पर है कि जो इसकी कंडीशंस यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, अब मैं आपको नोट से बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल टेक प्लेस ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, कि ये कंडीशंस कौन सी हैं, कि आपने क्या बात की है, यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, उस लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या है कि वही ऑर्बिटल टेक प्लेस यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जिनमें क्या हो कि ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी हो या क्या हो नियरली सेम हो, कि नॉर्मल अमाउंट में क्या हो सकता है, इनकी एनर्जी में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सेम एटम होगा तो उनके तो सेम ऑर्बिटल में सेम एनर्जी है। बट अगर हेट्रो एटम वाले कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके क्या है कि जैसे 1s और 2s ऑर्बिटल्स हैं दोनों में हैं,
दोनों एटम्स में, बोथ एटम्स में, तो उनकी 1s और 2s ऑर्बिटल्स की एनर्जी में क्या होगा, कुछ डिफरेंस हो जाएगा। तो उस रीजन से क्या है कि उसको वहां पर यह कंडीशन अपनाई कि अपने क्या किए कि नियरली द सेम एनर्जी, ठीक है, कि सभी ऑर्बिटल्स के जो और सॉरी सभी एटम्स के क्या है कि ऑल ऑर्बिट एटम्स के ऑर्बिटल्स क्या है कि ऑल ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होती है, ठीक है। दिस मीन दैट द 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद अनोदर 1s ऑर्बिटल बट नॉट विद 2s ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू इफ द एटम आर वेरी डिफरेंट। ये कंडीशन कहां पर अप्लाई नहीं होगी कि जहां पर क्या है कि अगर क्या हो अपनी एक हेट्रो एटम वाले मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन क्या है कि उनमें फिर क्या हो जाएगा नियरली सेम वाली एनर्जी कंडीशन लागू होगी, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस, ठीक है, कि एक्सिस के अकॉर्डिंग उनमें क्या होनी चाहिए, सेम सिमेट्री हो, तो वही ऑर्बिटल्स क्या होंगे, कंबाइनिंग कंबाइन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप, एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम और नियरली द सेम एनर्जी विल नॉट कंबाइन इफ द डू नॉट हैव द सेम सिमेट्री। यहाँ पर क्या है कि अगर एनर्जी भी इक्वल है बट सिमेट्री डिफरेंस है तो उस कंडीशन में भी क्या होंगे कि ऑर्बिटल्स यानी होंगे कंबाइन नहीं है, उनके बीच भी ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती उनके बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद 2pz ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम बट नॉट विद द 2px और 2py ऑर्बिटल बिकॉज द दियर डिफरेंट सिमेट्रीज। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं मस्ट हैव ओवरलैप द मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप द ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ ए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये थ्री कंडीशंस यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि उन ऑर्बिटल्स के बिटवीन क्या है कि लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर डेजिनेटेड एज सिग्मा पाई और डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा और अपन किस पर बात करेंगे, पाई पर। तो इस कंडीशन में क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड है यानी कि जो सिग्मा नॉमिनिकल्चर यहाँ पर आपने दिया है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनके ऑर्बिटल्स में क्या हो कि एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्सिस के अकॉर्डिंग या अपन ये बोले कि सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होगा। तो उस कंडीशन में आपको ऑलरेडी जो लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने डिस्कस किया था, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होंगे यहाँ पर, सिग्मा और सिग्मा स्टार यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या होंगे, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट क्या है कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स है अगर उनमें क्या है कि सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर पाई और पाई स्टार यानी कि पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो आपको बस यही बताना है यहाँ पर कि जैसे आप यहाँ पर 1s ऑर्बिटल यानी कि आप कुछ ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनमें क्या है कि क्या हो 1s 2s 2p ऑर्बिटल्स वहाँ पर प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में उनके बिटवीन जो सिमेट्री होगी उनमें जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर किस टाइप से होगा, तो ये अपने को इस टॉपिक में अपने को क्लियर करना है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर इन दिस नॉमिनिकल्चर द सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस वाइल पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है, कि सिग्मा जो होता है वो क्या होगा, सिमेट्रिकल और एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल है, बट यहाँ पर क्या है कि जो पाई है पाई बॉन्ड जो होगा यहाँ पर वो क्या होता है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल, इट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी इन
जेड डायरेक्शन। इफ इंटरमोलिकुलर एक्सिस इज टेकन टू बी इन द जेड डायरेक्शन इट कैन बी सीन दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2pz ऑर्बिटल ऑफ टू एटम आल्सो प्रोड्यूज टू सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल डेजिनेटेड सिग्मा 2pz एंड सिग्मा 2pz, यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग 2pz एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि एस ऑर्बिटल से आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने एनर्जी से, कि यहाँ पर क्या है कि 2pz ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल है, और यहाँ भी क्या है 2pz ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इनके बिटवीन जो कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन से कि टू टाइप के ऑर्बिटल्स यहाँ पर आपको पता है कि जो ऑर्बिटल्स होंगे वो सेम नंबर में ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म होंगे, न्यू ऑर्बिटल्स जो होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे कि सेम नंबर क्या होंगे कि ये ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। सेम इसी कंडीशन में क्या है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कि पाई बॉन्डिंग में क्या होगा कि जो सिमेट्रिकल क्या नहीं होगा उसमें कॉम्बिनेशन ही होगा, बट यहाँ पर भी क्या है कि पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग को आप स्टार से डिनोटेट करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब इनमें सिमेट्रिकल वो नहीं होगा, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन होगा, उस कंडीशन में ये फॉर्म होंगे। देखिए आगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑब्टेंड फ्रॉम 2px एंड 2py ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस व्हेन दीज ऑर्बिटल कंबाइन लीनियर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस 2π मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डेजिनेटेड एज पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो पाई और पाई क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। तो ये किसके बिटवीन होगा कि कोई भी टू डिफरेंस वाले अपने लिए यहां पर जैसे पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल लें, तो इनके बिटवीन क्या है कि एक्सियल कॉम्बिनेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों की जो एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शन की होगी। तो उस कंडीशन में यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर अब सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर पाई एंटी बॉन्डिंग और यहां क्या आ जाएगा, पाई बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरह से क्या होंगे, यहां पर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे कि एक एटम का क्या है 2px ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है और अदर के क्या है 2π में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इनके बिटवीन जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या है कि जो टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर जो फॉर्म होंगे उन टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के क्या, उनको डिनोटेड आप किसे करेंगे, डेजिनेशन किसे करेंगे, पाई स्टार और पाई से। तो पाई मीन यहाँ पर क्या रहेगा कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, तो ये टॉपिक अब टाइम बहुत होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अब अपने इसको नेक्स्ट वीडियो में ही अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर हाफ रह जाएगा, फिर कंप्लीट नहीं होगा टॉपिक, तो उस रीजन से आज मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका डायग्राम और इसका जो भी डिस्कस है अपन कि जो कोई भी मॉलिक्यूल्स में जो अगर पार्टिसिपेट होता है यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल अगर क्या है कि कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि टोटल 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं इस पर, और इनसे जो एनर्जी लेवल जो डायग्राम होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। थैंक यू।